हाँ, मेरा रियल नेम सौरभ नहीं है और सुहानी को नहीं पता है। सच्ची नहीं, मुझे अभी पता चला कि तेरा नाम सौरभ। तो चलो देखते हैं मेरा रियल नेम बता पाते हैं या नहीं बता पाते। समझो कि मैं वहां खड़ी हूँ, ठीक है? अब मैं वहां खड़ी हूँ, आप यहाँ खड़े हो, और आपको यहाँ से वहां मुझे बताना है कि आपका नाम क्या है रियल वाला। तो आप मन में लगातार वो नाम इतना जोर से बोल रहे हो कि मुझे वहां सुनाई दे, ठीक है? जोर से थोड़ा लगातार, जैसे अगर पीयूष बोलो तो पीयूष 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 ऐसे। मोहित मोहित मोहित। अरे अरे वाह। तो अभी जो आपने सुहानी शाह की मैजिक ट्रिक देखी, क्या ये रियल थी या फेक? तो इसका जवाब है यस, ये मैजिक ट्रिक एकदम रियल थी और आप भी इन ट्रिक्स को सीख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसी मैजिक ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिनको आप यूज कर सकते हो अपने दोस्तों में या फैमिली में। जिनमें से पहली ट्रिक है हाउ टू फाइंड समवन इज लाइंग बाय हिज आईज। किसी की आंखों में देखकर ये कैसे पता लगाएं कि वो झूठ बोल रहा है या सच। ये चीज रियल है और काम भी करती है और मैं भी कभी कभी इसे यूज करता हूँ। दूसरी है हाउ टू रीड माइंड लाइक सुहानी शाह। तीसरी है क्लोजअप मैजिक कैसे करें। आपने आज से पहले किसी न किसी को कॉइंस और कार्ड्स के साथ मैजिक करते देखा होगा, उसी को क्लोजअप मैजिक कहते हैं। फोर्थ है हाउ टू मूव ऑब्जेक्ट बाय योर ब्रेन। अपने दिमाग से आप चीजों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, इसको टेलीकिनेसिस भी बोलते हैं। सुनने में तो ये बड़ी फेक सी चीज लगती है, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसे मैजिशियंस थे जिनको ये मैजिक आता था। इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो अभी शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहला है कि हाउ टू फाइंड समवन इज लाइंग। ये कैसे पता लगाएं कि आपके सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या सच। हम इंसानों की आंखों में एक प्यूपिल नाम की चीज होती है जिसको देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि इंसान झूठ बोल रहा है या सच, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अगर कोई इंसान आपसे बातें करते करते झूठ बोल रहा है तो आपको सिर्फ उसकी आंखों में देखना है, और अगर इसकी प्यूपिल बड़ी हो रही है तो समझ जाना कि वो इंसान झूठ बोल रहा है। अब ये चीज हमारे साथ हमेशा होती है, जब भी हम झूठ बोलते हैं तो हमारी प्यूपिल्स बड़ी हो जाती हैं, लेकिन हम उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते और ये किसी को पता भी नहीं होता कि उसकी प्यूपिल्स बड़ी हो रही है। अब इस चीज को सीखने के लिए आपको सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे काम करना है, और अगर आप इसको डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप NCBI का ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। सेकंड है हाउ टू रीड माइंड लाइक सुहानी शाह। मैंने आपको शुरू में एक क्लिप दिखाई थी जिसमें सुहानी शाह सौरभ जोशी का माइंड रीड कर रही है। तो उन्होंने ये कैसे किया? सबसे पहले माइंड रीड करना एक आर्ट है जो मेंटलिज्म का एक हिस्सा है, और जब आप माइंड रीड करना सीखते हो, मेंटलिज्म सीखते हो, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है लिंग्विस्टिक डिसेप्शन। मतलब किस तरीके से आप लोगों से बातें करके उनको प्रभावित कर लेते हो, उनकी चॉइसेस बदल लेते हो, या फिर उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हो वो चीज चूज करने में जो एक्चुअल में आप चाहते हो, और उनको पता भी नहीं होता, उनको लगता है कि वो उनकी चॉइसेस है। या फिर आप कोई ऐसा इल्यूजन पैदा कर देते हो मैजिक करते वक्त जिससे सामने वाला इंसान शॉक हो जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे इन 6 कार्ड्स में से आपको एक कार्ड चूज करना है, आपको सिर्फ 3 सेकंड्स मिलेंगे चूज करने के लिए। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। तो अब आपने जो कार्ड चूज किया है मैं उसको यहाँ से गायब कर दूंगा। शुरू करते हैं। आपने जो कार्ड चूज किया था क्या वो इसमें है? मुझे पता है कि वो कार्ड गायब हो चुका है, लेकिन मैंने ये कैसे किया? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बस एक इल्यूजन है, असल में मैंने आपका कार्ड गायब नहीं किया, बल्कि मुझे तो पता भी नहीं है कि आपने कौन सा कार्ड चूज किया था। मैंने तो बस सारे कार्ड बदल दिए थे और आपको लगा कि आपने जो कार्ड चूज किया है वो गायब हो गया। और कुछ ऐसा ही करती है सुहानी शाह भी। जैसे अगर ये किसी आदमी को कहती है कि आप अपने दिमाग में किसी शहर का नाम सोचो, तो उस आदमी को लगता है कि मैं अपनी मर्जी से सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। सुहानी शाह उस आदमी को इन्फ्लुएंस करती है या फोर्स करती है वो नाम सोचने के लिए जो वो खुद आती है, और इसी को मेंटलिज्म कहते हैं। और ये चीज सालों के एक्सपीरियंस से आती है, और इंटरनेट पर बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां पर आप ये सीख सकते हो। थर्ड है क्लोजअप मैजिक। यह है करण सिंह जो एक क्लोजअप आर्टिस्ट है और सुहानी शाह के दोस्त भी। तो मैं आपको इनकी एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके थ्रू ये आपका माइंड रीड करेंगे। मैं आपका माइंड रीड करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स है, अभी मैं ऐसे करूंगा और आपको बीच में से तो कोई भी 2 कार्ड देखने हैं। नंबर कार्ड देखना, पिक्चर कार्ड मत देखना, और दोनों अलग अलग नंबर देखना। रेडी? और 10 भी मन देखना, बहुत ऑब्वियस होगा। लेट्स गो। डिड यू गेट इट? जो भी आपने कार्ड देखे थे अपने दिमाग में बार बार बोलो। सूट छोड़ दो, क्लब्स हार्ट्स स्पेड डायमंड मत सोचना, खाली वैल्यू सोचो उसकी, और दिमाग में बार बार बोलते रहो अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आई थिंक यू आर थिंकिंग ऑफ अ 2 and a 5। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ आई गॉट इट राइट और नॉट, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। 90% लोगों ने 2 and 5 ही सोचा होगा, लेकिन उन्होंने ये कैसे किया? तो इन्होंने शुरू में आपको 2 नंबर चूज करने के लिए बोला, और आप सोच रहे होंगे कि वो 2 कार्ड्स आपने अपनी मर्जी से चूज किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको जानबूझकर वही 2 कार्ड्स दिखाए गए थे, लेकिन उन्होंने तो सारे कार्ड्स दिखाए थे। तो मैं आपको वो क्लिप दोबारा दिखाऊंगा। तो इस बार आपको 2 और 5 नंबर वाले कार्ड्स चूज नहीं करने हैं, 2 और 5 को छोड़कर आपको 2 अलग नंबर देखने हैं उन कार्ड्स में, और फिर मुझे बताना है। तो शुरू करते हैं। और 10 भी मत देखना, बहुत ऑब्वियस होगा। लेट्स गो। Did you get it?
तो इस बार भी आपको 2 और 5 ही दिखे, क्योंकि वो आपको जानबूझकर यही कार्ड्स दिखा रहे हैं। और जो इनके हाथ में कार्ड्स हैं उनमें 2 और 5 नंबर वाले कार्ड्स ज्यादा हैं, इसीलिए हमें वो ज्यादा दिख रहे हैं। ये काफी सिंपल ट्रिक थी, लेकिन लोग इसको भी जादू समझ लेते हैं। फोर्थ है, हाउ टू मूव ऑब्जेक्ट बाय योर ब्रेन। पास्ट में ऐसे बहुत सारे मैजिशियंस हुए हैं जो क्लेम करते हैं कि वो अपने दिमाग से चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, और जब उन पर स्टडी की जाती थी तो पता चलता था कि वो कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स यूज कर रहे हैं ये चीज करने के लिए। और अपने दिमाग से चीजों को मूव करना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रेन वेव्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो किसी ऑब्जेक्ट को हिला सके। और एक जादूगर थे जेम्स रैंडी, जिन्होंने ये ऑफर रखा था कि अगर उनको कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या सुपरनैचुरल चीज करके दिखाएगा उसको वो 8 करोड़ का इनाम देंगे। और उनके पास बहुत से लोग आए और अपनी ट्रिक्स दिखाई, लेकिन कोई भी मैजिक सुपरनैचुरल नहीं था, और आज तक कोई भी उस इनाम को जीत नहीं पाया। और फिजिक्स के अकॉर्डिंग दुनिया में सिर्फ 2 चीजें ऐसी हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए इफेक्ट कर सकती है, पहली है मैग्नेटिक फोर्स और दूसरी है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब।